जिस जिसने 11th ढंग से पढ़ी है, यू शुड रियलाइज व्हाट वाज द टफेस्ट टॉपिक ऑफ 11th? रोटेशन. व्हाट इज द टफेस्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12th? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज रोटेशन ऑफ क्लास 11th. ओके, मतलब क्लास 12th उतना टफ है. समझ में आई बात? अब डर गया वो. याद करो कितना बड़ा था. हाँ, उतना ही बड़ा है ये. अच्छी बात है. और इलेक्ट्रोस्टैट समझ में आ गया ना, तो तुम्हारा बहुत स्मूथ सेलिंग हो जाएगी फॉर द क्लास 12th. क्योंकि क्लास 12th में तुम्हारा पहला चैप्टर मैं कराऊंगा, ये स्ट्रक्चर लिख लो, इलेक्ट्रोस्टैट्स. दूसरा होगा डीसी सर्किट्स. तीसरा होगा कैपेसिटर्स. दिस इज क्लास 12th सिलेबस. क्लास 12th सिलेबस लिख लो. ये डीसी इलेक्ट्रोस्टैट्स, डीसी सर्किट, कैपेसिटर्स, इसी ऑर्डर में कराऊंगा. मैग्नेटिज्म. पांचवा होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. छठा होगा ऑल्टरनेटिंग करंट. दिस वाज डायरेक्ट करंट, दिस इज ऑल्टरनेटिंग करंट. सातवां होगा रे ऑप्टिक्स. आठवां होगा इंटरफेरेंस. नौवां होगा मॉडर्न फिजिक्स. ठीक है, ये टॉपिक्स हैं क्लास 12th के. खत्म नहीं हुआ, बचा है कुछ कुछ, कुछ कुछ बचा है. कैसे बचा है वो मुझे पता है, तुम्हें नहीं पता, मुझे पता है कैसे. जहां पर मैग्नेटिज्म कराता हूं वहां पर मैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट करा देता हूं. मैं मूविंग चार्जेस पे, करंट कैरिंग वायर्स पे फोर्स करा देता हूं. कुछ छोड़ देता हूं मैं. क्या छोड़ देता हूं? एनसीईआरटी में एक रटने वाला टॉपिक है, एक मग्गू सा चैप्टर है, मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, जो कि एडवांस में नहीं आता लेकिन मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आना है. वो यहां पे छोड़ देता हूं क्योंकि वो थ्योरेटिकल सा चैप्टर है, उसे एंड में करेंगे. तो यहां पे करेंगे हम एक टॉपिक, मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, एक चैप्टर. एक और चैप्टर होगा बुक वन से, लास्ट चैप्टर है ईएम वेव. अगेन रटने वाला चैप्टर है, अगेन मैं छोड़ के भाग जाता हूं. इसके बाद है ये, इसके बाद था, कहानी खत्म. कितनी देर का टॉपिक है? असलियत में देखा जाए तो ये मेरा मोर और लेस 16 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा 8 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा 12 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा नहीं नहीं 9 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा 12 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा 8 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा 16 घंटे का टॉपिक है, ये मेरा सिर्फ 8 घंटे का टॉपिक है. इतनी बार पढ़ाया तो सब याद है मुझे, कितनी देर में हो जाएगा. ये मेरा 12 घंटे का टॉपिक है और ये मेरा 1.5 घंटे का टॉपिक है. सो दैट्स व्हाट आई सेड ना, बाद में कर लेंगे. हाँ, घर वाले बीच में परेशान हो जाए, सर ये छोड़ दिया आपने, छोड़ दिया. मैंने कहा 1.5 घंटा है, बाद में कर लेंगे खत्म. मैग्नेटाइजेशन एंड मैटर, ऐसे ही एक था ईएम वेव्स, आधे घंटे का टॉपिक है. ठीक है, दो टॉपिक आ गए. अरे बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इसमें. रे ऑप्टिक्स के और इंटरफेरेंस के आसपास ना एक और थ्योरेटिकल टॉपिक आते हैं. एक आता है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप. टेलीस्कोप वो छोड़ दिया मैंने, टेलीस्कोप एंड माइक्रोस्कोप, ये 1.5 घंटे का. और यहां पर मैंने इंटरफेरेंस कराया, यहां पर मैंने दो चीजें छोड़ी, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन. डिफ्रैक्शन तुम्हारा हो गया 1.5,
पोलराइजेशन हो गया आधा। उसके बाद एक बड़ा टॉपिक है, वो तो यहाँ पे भी इंक्लूड कर सकते थे मॉडर्न फिजिक्स के साइड में, सेमीकंडक्टर। ये बड़ा चैप्टर है भाई, ये 4-5 घंटे। ये हमारा स्ट्रक्चर बता रहा हूं, सेमीकंडक्टर्स 5 घंटे स्ट्रक्चर है। और एक और टॉपिक है एरर एनालिसिस एंड वर्नियर कैलिपर एंड स्क्रू गॉज। भैया हर साल मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आना है एज अ रूल, ये 3 घंटे का। हाउ इज दैट? अब तुम वो साथ में क्यों नहीं इंक्लूड किया? क्योंकि मुझे बड़े बोरिंग से टॉपिक लगते हैं। इनको साथ में कराने का मतलब है तुम्हारा अपनी लाइफ पर से कॉन्फिडेंस हिल जाना। समझ में आ रहा है कि भाई हमने रे ऑप्टिक्स में समझा रहे हैं यार, पैरेलल रेज आती थी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो फोकस पे चली आती थी, फोकस पे चली आती थी। वो टेलीस्कोप कराने बैठे, वो कहता है एंगल पे आ रही थी और फोकस पे चली गई, अप्रोक्सीमेशन मार के बोल दिया उसने। और तुम्हारे जब तुम ये रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हो और वहीं पे जाके तुम उसी का कॉन्ट्राडिक्शन पढ़ने बैठ गए, तो तुम्हारा इसके ऊपर से भी कॉन्फिडेंस हिल जाएगा। तो सारे रटने वाले टॉपिक्स को साइड में पटक दो। इसमें रटने वाला बस ये नहीं है, एरर एनालिसिस एंड वर्नियर कैलिपर वाला, ये बहुत सिस्टमेटिक चैप्टर है। ठीक है, यहां तक का समझ में आ गया गाइस? तो दिस इज द होल क्लास 12th सिलेबस। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का स्ट्रक्चर क्या है तुम बार बार मुझसे पूछोगे एक हफ्ते बाद, सर अब कितना हो गया, कितना और बाकी है, तुम्हें टॉपिक्स ही नहीं पता। तो इट्स बेटर दैट यू नो व्हाट वी आर गोइंग टू डू इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला टॉपिक चलेगा लेक्चर वन। पहला पार्ट तो होगा कूलम्ब लॉ, दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पॉइंट चार्जेस, तीसरा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हम कहां पर हैं? यहां पर हैं। चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बॉडीज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड बॉडीज। भाई मैं बता दूं, आई विल बी फ्रेंक विद यू, जो नए बच्चे हैं तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली। बच्चों तुम्हें यहां तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, you will be very happy, you will understand everything. This is the part that will scare you people. This is the part, electric field due to charged bodies. और ये part छोटा नहीं है, ये part कराने में लगेगा 2-2.5 घंटा बस हो जाएगा। ये part कराने में मेरे को लगेंगे 2-1.5 हफ्ता, 4 या 5 घंटे, 3-4 घंटे तो जरूर लगेंगे। ये पार्ट टफ है, इसमें हर पार्ट में इंटीग्रेशन आएगा और सब लग जाएगा। इस बार आई विल नॉट होल्ड बैक, अब तुम 12th में आ गए हो और तुम्हें आता नहीं है, दैट इज आई नो दैट नहीं आता है, लेकिन सब लगेगा। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय और क्या बोलते हैं, पार्ट्स में काट के कॉम्पोनेंट लेके सब पागल हो जाएंगे हम, कि रॉड ले ली इसके कारण यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड बता दो, जैसे वो था ना भाई मास वाली रॉड थी, फिर कह दिया रॉड ले ली चार्ज दे के इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, फिर कहेंगे ये इनफाइनाइट रॉड ले ली, इनफाइनाइट रॉड उसके कारण फील्ड निकाल दो, फिर सेमी इनफाइनाइट ले ली एक तरफ से तो इन्फिनिटी है, उसके कारण फील्ड यहां निकाल दो, यहां निकाल दो। ये मेंस में आया इस साल जनवरी में। अब तुम कहोगे कि फिर आप कह रहे हैं बहुत टफ है। टफ है लेकिन इसका इलाज भी है, इसका इलाज, इसके मेरा धर्म बनता है तुम्हें कराना।
तुम हाँ सही बताओ, एंड मैं तो डरा भी रहा हूं कि यार बहुत टफ है, बहुत टफ है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये रिजल्ट रट लो। इसका इलाज क्या है भाई? चार पांच स्टैंडर्ड होते हैं, वो रिजल्ट तो रटने भी चाहिए, लेकिन मेरे को तो कराने पड़ेंगे। तुम कहोगे फिर उनका डेरिवेशन कहां यूजफुल होगा कि ये तुमने यूनिफॉर्म रॉड के लिए निकालना निकाल के रिजल्ट रट लिया, नॉन यूनिफॉर्म होती तो उसका तो नहीं रटा है, उसके लिए डेरिवेशन आना चाहिए। लेकिन उसकी असलियत में जरूरत पड़ेगी कहां पर? एडवांस में। लेकिन यहां पर आके डर मत जाना, क्योंकि यहां पर जो नए बच्चे हैं उनको तो ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें 10% लेक्चर समझ में आ रहा है क्योंकि मैं पागल हो गया हूं भाई, काट के और कर रहा हूं। और इसके ये तीन थोड़ी है सर्कुलर आर्क, उसके कारण यहां पे सर्कुलर आर्क नॉन यूनिफॉर्म, उसके कारण यहां पे रिंग के एक्सिस पे। अब ये बोर्ड में आता है, अपेरेंटली इसका डेरिवेशन इतना आसान होगा कि बोर्ड वाले का ओके दैट्स इन अवर सिलेबस, दैट्स इन अवर सिलेबस कि रिंग का एक्सिस पे। एक बार बोर्ड में ये आ गया था रॉड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, उन्होंने थोड़ा बहुत भी जो लिख के आया ना उसको पूरे मार्क्स दे दिए पांच में से कि भाई इंटीग्रल बना दिया, सॉल्व नहीं किया तो भी पूरे, क्योंकि उनको मालूम है कि किसी से होना ही नहीं है। लेकिन मेरा धर्म ये बनता है सारे कराना, और मैं सारे कराऊंगा ध्यान से। लेकिन तुम्हारा धर्म ये बनता है कि नहीं समझ में आया तो डरना नहीं है, रिजल्ट रट लेना, फिर मेरे से पूछ लेना कौन सा रटना है, क्योंकि सारे थोड़ी रटोगे। यहां पर जो आर्क में यूनिफॉर्म वाला है वो रटना है, नॉन यूनिफॉर्म तो कुछ भी हो सकता है, फंक्शन बताऊंगा मैं, वो फंक्शन बताऊंगा वो तो कुछ भी हो सकता है, उसका थोड़ी रटने बैठ जाएंगे हर फंक्शन के लिए। तो रिजल्ट तुम्हें पूछने भी पड़ेंगे कि कौन से, मैं बता भी दूंगा कौन से रटने हैं कौन से नहीं रटने हैं। तो दिस पार्ट इज स्केरी पार्ट, दिस इज माई लेक्चर वन, दिस इज माई फर्स्ट हाफ ऑफ द लेक्चर, दिस इज माई सेकेंड हाफ ऑफ द लेक्चर, ठीक है, दिस इज टफ पार्ट, सो डोंट वरी। इसमें और भी हैं, आधा शेल ले लिया और उस पर चार्ज दे दिया, यहां पर फील्ड बता दो तो उसमें रिंग में काटना पड़ेगा और फिर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहां पर तुम डर भी सकते हो, मैं पहले ही कह रहा हूं डरना नहीं है, रिजल्ट रट के काम चलाएंगे, ठीक है। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट लेक्चर टू, लेक्चर टू में मैं कराऊंगा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगला पार्ट पढ़ाऊंगा गॉस लॉ, गॉस लॉ के दो यूजेस कराऊंगा, यूजेस ऑफ गॉस लॉ, यूजेस ऑफ गॉस लॉ में एक यूज तो होगा फाइंडिंग फ्लक्स यूजिंग गॉस लॉ, एंड दूसरा यूज होगा फाइंडिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग गॉस लॉ। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रेशन से भी निकलती है और कुछ केसेस में गॉस लॉ से भी निकलती है। यहां पर अब बहुत सारी चीजें आ जाएंगी कि क्या बोलते हैं स्फीयर की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, इनफाइनाइट शीट की कितनी होगी वगैरह वगैरह, शेल की कितनी होगी इनसाइड एंड आउटसाइड यूजिंग गॉस लॉ। ये तुम्हारे बोर्ड में है, ठीक है कि नहीं है? तो ये वाला पार्ट तुम्हें पूरा समझ में आएगा। उसके बाद मैं कराऊंगा, और मेंस में ऐसे ही आता है क्योंकि स्फीयर को हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म कर दे तो वो भी हमें निकलना आ जाएगा वहां पर, वो बहुत आसान सा होगा। लेकिन उसके बाद टॉपिक आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ओके, यू विल गेट अ डेजा वू लाइक फील व्हेन आई विल बी टेकिंग ऑल दीज चार्ज बॉडीज एंड आई एम सेइंग कि पोटेंशियल निकालो इनके कारण, जैसे ग्रेविटेशन में था तो फिर पागल हो जाएंगे, आई विल गो क्रेजी ओवर इंटीग्रेशन, काटो बॉडी को और हर एक छोटी छोटी बॉडी के कारण पोटेंशियल निकाल के ऐड कर दो, फील्ड में तो वेक्टर था ये तो स्केलर है, नंबर की तरह ऐड कर दो जो भी है। तो यहां पर फिर तो मुझे परेशानी होगी, लेकिन फिर हमें नहीं डरना क्योंकि जितने भी क्वेश्चन आज तक मेंस में आए हैं सारे फॉर्मुला बेस आए हैं कि अर्थ के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होता है, फॉर्मूला मारो काम खत्म। ये हो गया लेक्चर टू। लेक्चर थ्री, आई एम नॉट गोइंग बाय एनसीईआरटी क्योंकि एनसीईआरटी में हो सकता है कहीं आसपास और कहीं टॉपिक में डाला हुआ हो। यहां पर लेक्चर थ्री में आएगा, पहले तो एक चीज कराऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, दैट्स वन टॉपिक।
वो तो पोटेंशियल से रिलेटेड हो गया ना। अगली चीज कराऊंगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के बाद कंडक्टर्स। कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज, कंडक्टिंग शेल्स, कनेक्टिंग कंडक्टर्स, अर्थिंग कंडक्टर्स, दैट वुड बी सो मच फन। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चंस। तुम कहोगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा भाई, एक नया तरह का पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करके बैठे हैं हम, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल डिफाइन किया तो पोटेंशियल एनर्जी भी डिफाइन हो जाएगा, अब उसको यूज करके कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन। यहां पर फिर थोड़ा सा रीकैप भी हो जाएगा किस चीज का, एस्केप वेलोसिटी वाली चीजें। जैसे एस्केप वेलोसिटी में होता था ना, अर्थ खींचती थी और फिर इनफिनिटी तक जाता था, वेलोसिटी जीरो हो जाए। मैंने कहा एक काम करना, यहां पर स्फीयर है, ये नेगेटिव चार्ज है, यहां से एक चार्ज फेंक दिया, अब कितनी हाइट तक जाके इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाले क्वेश्चन आ जाएंगे। फिर यहां पर एक और टॉपिक आएगा, सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी। सेल्फ पोटेंशियल एनर्जी पहले था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? यहां तक का समझ में आया? कितने लेक्चर हुए? तीन। मैंने क्या बोले थे कितने हैं? चार। लेक्चर फोर में, लेक्चर थ्री में क्या था? कंडक्टिंग शेल्स, गेंद, कंडक्टिंग गेंद, खोखली और सॉलिड, ठीक है? अब आएगा कंडक्टिंग शीट्स, कंडक्टिंग शीट्स, फिर कंडक्टर्स के कुछ वेरी टफ प्रॉब्लम्स, टफ प्रॉब्लम्स। यहां पर मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग के बारे में भी करा दूंगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। यहां पर मैं यूनिकनेस थ्योरम भी करा दूंगा। प्लीज डोंट गो होम एंड ट्राई टू सर्च फॉर यूनिकनेस थ्योरम, बिकॉज यू विल नॉट फाइंड इट एनीवेयर। That's a first year concept which has come once in NEET and once in JEE. Theorem नहीं बताऊंगा मैं बताऊंगा कि ऐसा होता है तो ऐसे कर देना, ठीक है? Fifth, अब ना कुछ टॉपिक छूट जाएंगे, आसान आसान से छूट गए। क्या? डाइपोल, तो उसको कवर अप कर देंगे। अगर वो डाइपोल पहले भी करा सकता था, मैं डाइपोल में करा सकता था पोटेंशियल के बाद, उससे पहले क्यों नहीं करा सकता था? एक्चुअली डाइपोल तो स्टार्टिंग में भी कराए देते हैं बहुत बार, तो बहुत स्टार्टिंग में कराए देते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? डाइपोल क्या है? कुछ अरेंजमेंट है, उनके कारण चार्जेस के अरेंजमेंट के कारण फील्ड निकालनी हो तो वैसे कहा चुका। प्रॉब्लम क्या है? उसके कारण पोटेंशियल भी निकालना होता है, तो जब तक पोटेंशियल ना कराऊं तो डाइपोल आधा अधूरा करा के छोड़ने वाली बात हो गई। फिर उसके बाद डाइपोल को किसी फील्ड में रख दे तो उस पर टॉर्क वगैरह लगती है, तो उसकी एनर्जी भी होती है, और वो एनर्जी की बात तब करोगे जब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आता होगा, हाँ या ना? तो मैं डाइपोल को चार चीथड़ों में कराने की जगह प्रेफर करूंगा कि भाई सब हो गया, आसान सा टॉपिक था, बचा हुआ था, खत्म कर लो इसे। समझ में आ रहा है? डाइपोल खुद एक डेढ़ घंटा लगेगा, लेकिन वो सारे जो बेसिक फंडे हैं तुम्हें पहले से आते होंगे। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, पोटेंशियल निकालना, ठीक है कि नहीं है? पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो उसके कारण बहुत आसानी से हो जाएगा। और छठा टॉपिक है, इसमें और क्या कराता था? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ वी आर डन विद द टॉपिक्स, दैट वाज फन।